नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सुधीर सिंह कुशवाहा से हुई खास मुलाकात। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सुधीर सिंह कुशवाहा के घर फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, उनसे 15 अगस्त आजादी उत्सव मनाने को लेकर कुछ चर्चा की। उन्होंने बताया, जब इंसान को आजाद रहने का अधिकार है, फिर पंछियों को क्यों नहीं? उन्हें इंसान पिंजरे में क्यों रखता है? मैं विनती करता हूं कि पंछियों को भी आजादी का पर्व मनाने दें। साथ में सभी लोगों से विनती करता हूं कि पेड़ पौधे लगाएं। आज मैं जंगल को देख रहा हूं, वहां पंछियां नहीं हैं। मैं सभी लोगों से विनती करता हूं और कहता हूं कि 15 अगस्त का त्योहार उल्लास से मनाएं और पंछियों के पिंजरे खोलकर उनको आजाद करें। देखें कंट्री इंचार्ज मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजेश शिवहरे। इस टाइम पे सुधीर कुशवाहा जी के यहाँ बैठा हुआ, जो समाज सेवा तो करते हैं, साथ में पंछियों के लिए भी सोचते हैं। तो आज मैंने इनसे 15 अगस्त के उपलक्ष में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की है और आज इनके घर पे बैठने का हमको स्वागत प्राप्त हुआ। नमस्कार जी, आपके आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है। बताइए, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 15 अगस्त के उपलक्ष्य अपन सभी लोग आज़ाद हैं, आज अपन को आज़ाद हुए, कम 70 साल हो चुके हैं, तो आज भी कई जगह पर मैंने देखा है कि तोतों को, चिड़ियों को, पंछियों को पिंजरे में रखते हैं, तो उनके लिए आज़ादी नहीं है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है। बल्कि कानून भी ऐसा बना हुआ है कि पक्षियों पर, पशुओं पर क्रूरता के विरुद्ध जो कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ खुलेआम लोग पक्षियों को कैद करके रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। एक्चुअली पिंजरे में क्या जरूरत है इनकी? इनको घर दीजिए ना, ये आपके घरों में रहेंगे, उड़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दाना लगाएंगे, आपके घर की रौनक बड़ा बढ़ाएंगे। और आज़ादी अगर आप नहीं दे सकते हैं, किसी को बंधन में रखेंगे, तो यह तो क्रूरता के साथ साथ पाप भी है, एक अमानवीयता है हमारी। तो मैं चाहूँगा, मेरी अपील होगी कि कम से कम ऐसा ना करें, पशु पक्षियों का ख्याल करें, उनको प्रेम दें, उनको कैद में ना रखें। ये मैं चाहूँगा, आज़ादी तभी जो है हमारे लिए, सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों तक के लिए भी महत्व रखती है। तो हमारे पुष्पा जी ने बड़ा अच्छा सुंदर विचार जो हमारे बीच में प्रस्तुत किया, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के अंदर ये भावना पैदा हो, जैसे हमारे सुनील जी का कहना है, पेड़ लगाएं। आप अगर एक पेड़ लगाते हैं तो आपको, आपकी 3 पीढ़ियों तक वो आपकी सेवा देता है। तो आप जब किसी की सेवाओं का लेना चाहते हो तो आपका भी कुछ योगदान बनता है। तो उस योगदान के विषय में हमारे सुनील जी बताएंगे कि आपको जहाँ भी कोई जगह मिलती है तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी। बिल्कुल, देखिए ये सारा एक साइकिल है। हमारे पास पेड़ होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो जीवन होगा। कोरोना के टाइम देखा है, एक एक सिलेंडर के लिए हम लोग कितना तरस जाते थे, लोग हाथ पैर जोड़ते थे कहीं से कोई दिलवा दे, लेकिन अच्छे अच्छे लोग नहीं दिलवा पाते थे। जब ऐसी परिस्थितियों में आपने ऑक्सीजन का महत्व समझा, तो पेड़ों को जीवन दीजिए, पेड़ों को रखिए और देखिए, पक्षी और पेड़ ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। पक्षियों ने जंगल लगाया पूरी दुनिया में और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बाद भी हम पेड़ काटने को तैयार हो जाते हैं। कैसे हमारे अंदर ये भावना भी नहीं आनी चाहिए? पेड़ों को बचाने की भावना आनी चाहिए और लगाने की भावना आनी चाहिए। ये संस्कार हम अपने अंदर पैदा करें, अपनी पीढ़ियों को भी दें, तभी जाकर हमारी दुनिया और देश धरती सुंदर होगी। मैं कहना चाहूँगा, शीश उठाकर देश पर जो करता अभिमान, शीश उठाकर देश पर जो करता अभिमान, जीने के काबिल वही उसका हिंदुस्तान, जीने के काबिल वही उसका हिंदुस्तान। ये मैंने ही दुआ लिखा था और मेरे मन में ये भाव है, बहुत गहरा था। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ जानकारी और लेना चाहता हूँ कि आज मैंने कभी टाइम पहले रिसर्च में पढ़ा भी था और देखा भी था कि आज अपने को आज़ाद हुए 70 साल जरूर हो गए, पर आज तक सरकार ने ना बरगद का पेड़, ना पीपल का पेड़ लगाया है, ना इसके लिए कोई नियम कायदा, ना कोई सिस्टम अपडेट किया है। तो ये क्यों नहीं किया सरकार? इस चीज बारे में कुछ सरकार के बारे में बताओ। ये बहुत दुखद है। देखिए, पीपल, बरगद, नीम, आम, ये हमारे यहाँ जो पूजे जाते थे, बेल,
ये पूजा होती थी इनकी। आज विदेशी पेड़ लाकर लगा रहे हैं सिर्फ शोकेस की तरह। ये दुनिया शोकेस से नहीं चलेगी, ये हमारे ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी। ये सारे ऑक्सीजन वाले पेड़, पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद देता और जीवन देता, संरक्षण देता है पक्षियों को भी, बल्कि मनुष्य तक के लिए। आप देखिए हमारे गांव में इनमें जब पीपल बरगद ये होते थे उनके स्वास्थ्य कितने अच्छे होते थे। आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और आज़ादी का 70 साल जो आप बता रहे हैं, 70 सालों में आज भी कुछ चीज़ को लेकर सरकार से अनुरोध करूँगा कि एक दुख तो मुझे रहता है कि आप देखिए लोग जब कोर्ट में, कचहरियों में, थानों में इन जगह चक्कर लगाते हुए दिखते हैं एक ही काम के लिए बार बार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आज़ादी ये कहती है कानून सम्मत कार्य में उन्हें परेशानी ना हो, उनके लिए उनको सहयोग मिले, इसीलिए अपने देश की आज़ादी चाहिए थी। लेकिन कानूनी रूप से वैध होते हुए भी वो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी परेशानियाँ खड़ी होती हैं। परेशानियाँ क्यों खड़ी होती हैं, इसके पीछे क्या भाव है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सब समझते हैं। और अगर ऐसा भाव है कोई तो वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आने वाले भी मनुष्य हैं, वहाँ काम करने वाले भी मनुष्य हैं, तो उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि नहीं, हम किसी के दुख को, तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उन्हें परेशानी, आज़ादी सच्ची तभी है अगर कोई लालच से हम किसी को वोट देते हैं तो वो आज़ादी नहीं है। अगर हम किसी से बंदूक की दम पर वोट लेते हैं तो वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि जैसे वोट देंगे हमने लालच में दिया तो हम लालच में ही वो हमसे दुनिया चलेगी। तो ना हम समझें अच्छे व्यक्ति को वोट दें, अच्छी सरकार बने, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, मनुष्य अच्छे होने चाहिए, उसका पालन करने वाले अच्छे होने चाहिए। तो हमारे सुधीर कुशवाहा जी ने ये बताया और साथ में ये भी मुझे बताया कुछ देर पहले जो बात हुई थी कि जैसे कि जंगल पक्षियों ने लगा, ये बात हकीकत है, क्योंकि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ का जो बीज है ना, कौवे के पेट से पक्षियों के पेट के द्वारा ही वितरण होता है और वो बीज जब लगता है अब इंसान के हाथ में नहीं है, तो ये चीज़ अब जब इंसान के हाथ में नहीं है तो पक्षियों के हाथ में, तो पक्षियों को आज़ादी जरूर होना चाहिए। और मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपने पिंजड़ों को 15 अगस्त के दिन खोलें और सारे पक्षियों को आज़ाद करें। बहुत अच्छा।